इरशाद इरशाद, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इतना बुरा शेर, तौबा है। आया, ये लो, मुझे को भेजा है क्या? तो रिहाब डार्लिंग, मान गई हैं आप मुझे, मैं तुम्हारे लिए हैदर भाई की नजर को खूब पहचाना। जी जी, मान गई। तो साबित हुआ, तालीम आपको एक अच्छा इंसान तो बना सकती है मगर एक अच्छा जज नहीं। अच्छा जज साहिबा, मान गई मान गई। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया माफ किया। अच्छा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुमा कहाँ है? हमारी बेस्ट फ्रेंड हुमा, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड शाजिया की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है और छत पे डेढ़ घंटे के मुजाकरात के बाद पेट नहीं भरा तो मुंह उठा के उसे घर ही तशरीफ ले गई। तो भाई, लड़की भी ना, बड़ा शौक था उसे बुलाने का, पागल है। आई अम्मी बैठे, मैं आपके लिए चाय ला। अरे नहीं नहीं बैठो, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है और वो भी हुमा के आने से पहले पहले। क्या बात है अम्मी? तुम्हें तो पता ही होगा, इस महीने साजिद आ रहा है वापस शारजा से। जी। और अगले महीने मुझे तुम्हारी शादी की तारीख देनी होगी। क्या, ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्या हकीकत है? और तुम? मैं क्या? फिर तुम ख्वाबों के पीछे भागना छोड़ दो बेटा। मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखो बेटा, हम आज के मारे लोगों को रोशनी का अगर एक दिया भी दिखाई देना तो हम सुबह का उजाला समझ लेते हैं। हैदर तुम्हें पसंद करता है, क्या अच्छी बात है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं। क्या मतलब अम्मी, क्या रिहाब को ख्वाब देखने का कोई हक नहीं है? मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, ख्वाब देखने का हक हर इंसान को होता है लेकिन उसकी ताबीर पे किसी को इख्तियार नहीं। और हैदर की मोहब्बत तुम्हारे लिए सिर्फ एक पानी के बुलबुले से बढ़कर और कुछ भी नहीं। वो कभी भी मेहताब भाई और सोमी को छोड़कर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करेगा। हमें तुम्हें सारी जिंदगी तरसते हुए नहीं देख सकती बेटा। आप क्या चाहते हो? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं वो नहीं कर सकती जो तुम चाहती हो। मैंने आपको पहले कभी मायूस किया? तो फिर अब भी नहीं करूंगी। आए पप्पू, मैंने मेहमानों को बैठा दिया, आप चलो। अच्छा बेटा। अम्मी, ये सब क्या है? मैं आपसे पहले भी कह चुका मुझे शादी वादी नहीं करनी, हम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? इन्हें बोले यहां से जाए। बेटा मेरी भी एक बात साफ साफ सुन लो, सोबी से अब तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तो बेहतर यही है कि जो रिश्ते के लिए मेहमान आए हुए हैं उनसे मिलो। चलो मेरे साथ। चलो अम्मी। चलो आओ। आपका क्या ख्याल है?
क्या वलीद भाई और उनकी मॉम मान जाएंगे? क्या वो अपनी नाराजगी छोड़ेंगे? फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता साहब, सिवाय इसके कि वलीद एक अच्छे दिल का इंसान है। और उनकी मॉम? सारा वो एक माँ है, उन्होंने भी सोमी और वलीद के लिए बहुत सा वक्त कुर्बान किया, तो मुझे लगता है कि अब उनकी भी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीद बेटा, ये कौन है? हैदर बेटा, ये वलीद का रिश्ता पक्का करने आए। अरे कजन्स भी तो दोस्त ही होते हैं, इंशाल्लाह ये रिश्ता तय पाने दो, फिर यही लोग तुम्हारी बारात में भंगड़े डालेंगे। अच्छा, अब हमें इजाजत दीजिए। हेलो, देखो अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ अपनी बहन की वकालत करने आया हूँ तो तुम गलत हो। देखो सोमी की तरफ से मैं खुद तुमसे माफी मांगता हूँ, और डैड तो सोमी ने मेरी चाहत को मेरी मजबूरी और मेरी मजबूरी को मजाक बना लिया, और तुम अंकल को बीच में मत लेकर आओ प्लीज। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अंकल वही करते हैं जो सोमी चाहती है। सोमी क्या चाहती है वो तुम्हें और मुझे अच्छी तरह पता है। वो मुझे मेरी माँ के बगैर चाहती है। किस बात पे वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, सोचो यार। वलीद, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन प्लीज मेरे कहने पर सिर्फ एक सोमी को सिर्फ एक मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ वो अपनी माफी के साथ तुम्हारे पास आएगी। ये उसका नहीं, तुम्हारे भाई का बात है। यू आर अ काइंड पर्सन यार, आई एम सो हैप्पी टू हैविंग यू। सब ठीक। कैसी हैं आंटी आप? पहले से बहुत बेहतर हो आंटी। वो सोमी, आप सोमी की बात ना करो तो बेहतर है आंटी। लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप उनसे बहुत नाराज हैं, लेकिन आंटी हर इंसान को एक लास्ट चांस की जरूरत होती है। प्लीज आंटी, आप उन्हें एक लास्ट चांस दे दें ताकि वो अपनी गलती रियलाइज कर सके। बस करो अपनी दोस्त की तरफदारी करना। सोमी इस काबिल नहीं कि उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन आंटी, आप तो सोमी आप ही की खाला है, और खाल तो माँ बराबर होती है। माँ तो अपने बच्चे को माफ कर देती है। प्लीज आंटी, आप ही उन्हें माफ कर दें। कर देती है, जरूर कर देती है, लेकिन बच्चा आके खुद माफी मांगता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, और ना ही ऐसे रूल फॉलो किए जाते हैं। तो बेहतर यही है बीबी कि अपना मशवरा अपने पास रखो। और सर जाओ, मेहमानों के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज पढ़कर आती हूँ। चाहिए थोड़ा प्यार।
बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए, कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? और अमार भाई कैसे? वाओ, लेकिन भाई स्विट्जरलैंड या फ्रांस क्यों नहीं? वो तुम्हारा कजिन हाशिम कैसा है? फालतू में फ्री हो रहा था शादी में। रियली? अच्छा भाई, तुम तो चिल करो, अपने हनीमून एंजॉय करो, शादीशुदा लाइफ। हमारी तो भाई वही बोरिंग रूटीन स्टार्ट हो गई है फिर से। अच्छा है, नहीं बाद में बात करते हैं, मेरे ना कुछ गेस्ट आ गए। हाँ हाँ चलो, ओके, यू हैव फन, बाय। मैं आज ऐसे मिलने जाऊंगा, आपकी ख्वाहिश में जाऊंगा। चलें शाबाश अम्मी जान, मुंह खोलिए। नहीं बिना मुझे ले जाओ, मैं दे रही हूं सब कुछ। अम्मी जान, अभी और इसी वक्त आपने बाउल खत्म करना, चलें प्लीज। छोड़ दो मुझे अकेला, चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। पप्पू जान ने आपकी मंगनी टूटने का बहुत गहरा असर लिया है। पप्पू जान देखे ना, वलीद भाई कितना परेशान हो रहे हैं, और इनका तो कोई कसूर भी नहीं है, बल्कि आपके बेटे इतने अच्छे हैं कि उन्होंने आपके कहने पे सोमी जैसी नकचुड़ी लड़की से इतने साल रिश्ता रखा। चले जाओ तुम लोग, अकेला छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। बस करो कौसर, इनको तो अपनी भांजी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। मुझे भांजी की फिक्र नहीं है, मुझे तो फिक्र अपनी बहन की है कि मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। फॉर गॉड्स सेक अम्मी जान, खाला को जवाब हमने नहीं, मेहताब अंकल और सुमी ने देना है। मुझे तो लगता है मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में मेरे बेटे की खुशियां ही नहीं लिखी। मैं यूं ही तरस तरस के मर जाऊंगी। कौसर, अम्मी का ख्याल रखना, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। मुमा साला ले लो सबा से किचन में आवाज देके, खुद ले आओ। मुमानी जान अब फिकर नहीं करे, अंडा खत्म हो जाएगा ना, मैं फौरन साला ले लूंगी। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। अल्लाह ने के बाद अच्छा भला हैदर छोड़ता था, पर ध्यान से जाना बेटा। जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, कैसी हो? कुछ ठीक। आए अम्मी,
मेहताब मामू आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी रहो भाई, तबीयत कैसी है? जी भाई जान अब बेहतर है। अच्छा अच्छा ये वालेकुम सलाम। तुम कहीं जा रही थी ना? जी मामू वो लाइब्रेरी में काम करती ना, उधर ही जा रही थी। अच्छा तो शायद हमने लेट कर दिया तुम्हें। नहीं नहीं भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, आज ये छुट्टी कर लेगी। अब तुम फोन करके बोल दो ठीक है। आए भाईजान मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। थैंक यू। आज खुद ही ऑफिस जा रही थी। जी अम्मी आई। बसती है वीरानियां, जान ले वा तन्हाइयां। कर दो मेरी बच्ची, तुम नहीं समझोगी, हम मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों साथ पले बड़े हैं, ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो सोचो वो खुद चलकर क्यों आते? नहीं, वो अपनी बहन के लिए इतनी दूर चल के नहीं आया, ना ही उसका दुख दर्द बांटने के लिए। वो तो आप दोनों के बीच में ना टूटने वाली डोर नाना जान के कहने पे आए थे। मैं भी तो इस ना टूटने वाले रिश्ते को निभा रही हूँ, उसकी लाज रखी है ना मैंने भी। अमीन निभाने और लाज रखने में बहुत फर्क होता है। आप क्यों उनकी बरसों की बेरुखी, उनके तानों को बुनती चली जा रही है? ऐसे लोगों की खातिर खुद को हलकान नहीं करते। बेटा मेरी जान, बेटा ये सब कुछ हैदर की मोहब्बत के सदके है। मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरे अब्बा जान की आखिरी निशानी है। हैदर मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। मुझे मत रोको, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो सारा और हैदर के कहने पर तुम मुझसे मिलने आई? सच बताऊं तो हाँ। कभी अपनी अम्मा जान के कहने पर मुझसे शादी करते, कभी दूसरों के कहने पर मुझसे पैचअप करने आ जाते। मैं हूँ कौन वलीद? काश कि तुम समझ सकते। वो दूसरे नहीं है, मैं अपना दिल साफ करके मिलने आया। तो मैं कौन सा तुम्हें चीट करूं? थोड़ा सा इंतजार करने का ही तो बोला है। इंतजार करने की तो आदत सी हो चुकी है। अच्छा चलो एनी की तरफ चलते हैं। एनी की शादी में भी तुम एब्सेंट थे। वो भी तक यहीं है? हाँ अभी फिलहाल यहीं है, बस एक दो दिनों में इंग्लैंड जा रही है हनीमून के लिए। उसका हस्बैंड इमार Obedience का कज़न, is that? Yes. अब सारी बातें यहीं बैठकर पूछोगे, चलो ना। सुमी एक बात कहूँ? कहो। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? कह भी चुको वलीद। हम कितने दिनों बाद मिले, थोड़ी देर बैठते हैं यार। फिर बोर करोगे तुम मुझे।
और फिर कहते हो मुझसे शादी कर लो ताकि मेरी जिंदगी में एक बोरियत का तूफान आ जाए। यार प्लीज फिर कभी चली जाए। अच्छा चलो मुझे कुछ जूस दो। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। उको आप बैठ जाए ना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। वलीद भाई आते ही होंगे, पता नहीं कहाँ रह गया। उको जान लगता है वलीद भाई आ गए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है पाक परवरदिगार। अस्सलाम वालेकुम उम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब थे सारा दिन, माँ का ख्याल आ गया तुम्हें? अम्मी वो मैं ऑफिस से थोड़ा सा लेट निकला था और रास्ते में मुझे एक फ्रेंड से मिलना था। और वो फ्रेंड सोमी चौहान तो नहीं थी? जी अम्मी मेरे साथ सोमी तो थी लेकिन साथ में हैदर और सारा भी थे। अफसोस होता है मुझे उन औलादों पर जो वालदेन से ज़्यादा दोस्तों को फौकियत देते हैं। चलो सारा और हैदर की तो अच्छी नेचर है लेकिन सोमी, सोमी जो खेल खेल रही है तुम्हारे साथ वो ठीक है क्या? मैं जान में उसे रियलाइज करवा तो चुका हूँ और मैं क्या करूँ? इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, अहमकों की जन्नत में रहना छोड़ दो और घर बसाओ अपना। अमीजा एक चांस दे दे प्लीज, मेरे लिए और हैदर के लिए प्लीज। ठीक है अब फ्रेश हो जाओ, खाना खाते और बहुत सारी बातें करते हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड अमीजा, थैंक यू सो मच। एक तो औरतों की ये मुसीबत है कि जब माँ बन जाती है ना तो खुद ब खुद ग्रेट बनना पड़ता है। अच्छा प्लीज आप बिना कसम से। चलो उठो खाना खा चले आए। बहुत मक्खन पॉलिश लगाने लगे। हाँ बस ग्रेट बना दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? अम्मा मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कब आ रहे हो? बस अम्मा महीने की आखिरी तारीखों में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। 3 महीने की एप्लीकेशन लिख दी है और साफ साफ लिख दिया मैंने उसमें कि शादी करवाने के लिए जा रहा हूँ, अपनी आरजी तौर पर बंदा तब्दील कर ले। अरे वाह भाई अल्लाह तेरा शुक्र, ये तो बड़ी खुशी की बात सुना दी तुमने। बेटा बस तुम्हें तो बस देखने के लिए ना मेरी आंखें तरस गई। अच्छा अम्मा मुझे हुमा से कोई बात करनी है, उसको फोन दीजिए जरा। अरे बेटा वो तो रहाब की तरफ गई हुई है। अच्छा मैं उसके नंबर पे खुद ही बात कर लेता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, ख्याल रखिए अपना। अच्छा अल्लाह मेरा बच्चा आ जाए। चाहिए थोड़ा प्यार। तुम और आमिर दोनों कल सुबह की फ्लाइट से चाइना जाओ। मामा सेक्रेटरी जी हो तुम्हें सारा कुछ बता देगी, वहाँ टिकट्स वगैरह सब भी सहूलियात। उस कंपनी के किस रिप्रेजेंटेटिव से तुम्हें मिलना है, कहाँ ठहरना है, क्या करना है, क्या साइन करना है वो तुम्हें बता दूँगी। इन्होंने कंपनी डुबाने का पूरा फैसला कर लिया। हाँ मामा वो फाइल लेके वेंसडी कंपनी की आ जाओ और सुनो 2 टिकट्स। डैड ये सब तो ठीक है मगर मैं कह रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों पर आप कैसे सौंप सकते हैं? आई मीन आपका इतना इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है और हमारा एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है। क्यों आमिर? क्यों आमिर? जी मेरा मतलब है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि कंपनी तरक्की करे और ये डील फाइनल हो जाए तो मुझे लगता है आपको खुद जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर। क्या आमिर आमिर लगा रखी है, आमिर के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हर बात में आमिर आमिर आमिर, मेरी समझ में नहीं आता आप लोग दफ्तर आते क्यों। ठीक है आप रेस्ट करें, मैं और आपका दोस्त आमिर चाइना चले जाएंगे सुबह, और आप अपने सुस्त हाथों से हमारी कामयाबी के लिए दुआ दें। ठीक जी जाइए। कुछ कह रहा है जी?
कोई और काम? नहीं कोई काम नहीं, जाइए रास्ते में। कॉफी पी के जाइए। थैंक यू। तो जी मैडम, आप क्या कह रही थी कि मोहब्बत करना आसान काम नहीं होता? तो पर अगर देखा जाए कोई भी आसान काम नहीं, यहां तक कि नफरत करना भी खासा मुश्किल काम। अच्छा तो आप फिलॉसफी कौन जा रहा है? वंडरफुल, दो जीनियस मिल जाएंगे तो जिंदगी काफी मजे से कटेगी। कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, वो मैं कह रहा था कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, यहाँ तक कि नफरत करना भी। मगर एक बात याद रखो, जब एक इंसान छोटी छोटी मुश्किलों को फेस करना सीख लेता है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलों को फेस करना काफी आसान हो जाता है। और वैसे भी जब ऊपर वाला दो लोगों को मिलाना चाहता है ना, तो उनमें बहुत सी सिमिलर बातें पैदा कर देता है। तो क्या आप जानते हैं कि ऊपर वाला ऐसा ही करने वाला है? भाई जाहिर है, मैं तुम्हें और यहाँ क्यों लेके आया हूँ? क्या मतलब? आप किसी मकसद के लिए मुझे यहाँ लेकर आए? तो और क्या? मैं समझी नहीं। I love you, Reha. मेरी मोहब्बत को अपनाने के लिए शुक्रिया। मैं वाकई एक खुशकिस्मत इंसान हूं जिसे तुम्हारी जैसी लड़की का साथ मिला। लेकिन अपना जूस तो पियो पहले। बेटा मैंने हैदर और बाकी मुलाजमीन से तो कह दिया, तुम भी जरा अलर्ट रहना, घर का ख्याल रखना। डोंट वरी डैड, आप जानते हैं ना मुझे। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे डैड कितने दिन लग जाएंगे आपको? पता नहीं बेटी, 3-4 दिन के लिए जाना था। अब मैं चाइना के जिस हिस्से में जा रहा हूँ वहाँ मौसमी हालात के मुताबिक चलना होगा। आई विल कीप इन टच, मैं तुम्हें बताता रहूँगा। अगर इजाजत हो आपकी तो एक बात पूछ लूँ आपसे। डैड ये आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, कहिए। मेरा ख्याल है कि अब तुम अपनी शादी के बारे में कुछ फैसला कर ही लो। वो वलीद की माँ अपनी अना के काबू में नहीं रही। डैड यही एक उनकी बात है जो मुझे शादी से रोके। She wants to rule us. शादी के बाद ना वो मुझे उंगलियों पर नचाने वाली है। And I don't want it. पर हाँ या ना जो भी फैसला करना है कर लो, मुझे बता जरूर देना। ओके ओके, आई विल ट्राई। Thank you.
हेलो हैदर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई आप? कहीं सो मी ने लेट तक सोने पर बैन तो नहीं लगा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे अंकल का पता करने के लिए कहा था। वैसे वेयर इज ही? हैज ही लेफ्ट? हाँ, मैं उनके सारे इम्पोर्टेंट काम निपटा के ही निकला हूँ। बस अभी एक दो मिनट में उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर देगी। और एक बात तो बता, ये सुमी है कहाँ जिसने सुबह सुबह तुम्हारी ड्यूटी लगा दी? वो क्या है ना, उन्होंने आज से वर्कआउट स्टार्ट कर लिया, इसलिए शी इज बिजी देयर। अच्छा, कहीं तुमने उसे कराटे वराटे की ट्रेनिंग तो नहीं दे दी? प्लीज ख्याल रखना कि हम सब मारे ना जाए। एक्सक्यूज मी, मैं ब्लैक बेल्ट जरूर हूँ मगर पागल नहीं हूँ। I was just kidding. Anyways, मैं बस कह रहा हूँ। Okay, bye. Okay, bye. उमा, एक तो तुम अपनी अम्मी को अपने चचा के घर से बुला ही लो और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। थक गई हूँ तुम्हारी खातिरदारियां कर करके। एक अंडे की वजह से तुम अपनी सगी फूफो की इकलौती बेटी को घर से निकल जाने को कह रही हो? कुछ तो लिहाज मुलायजा करो। वैसे एक बना दो ना, क्या हो जाएगा? बना दूंगी, मरो मत। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? अरे हैदर बेटा। अरे मेरी जान। अरे वाह, आज तो हीरो साहब सुबह सुबह आ गए। आओ बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। नाश्ता लाया गरम गरम, सरप्राइज। सबा सबा, इधर आओ, ये पकड़ो। ये ग्रोसरी इतनी गर्म क्यों है भाई? ग्रोसरी नहीं, गौर से देखो, नाश्ता है, वो भी स्पेशल वाला। हुमा, ये लो बेटा, ये रख के आओ। चलो। अच्छा बेटा, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना कुछ लाने की? पप्पो, खून के रिश्ते कमजोर तो होते हैं मगर कभी भी टूट कर अलग नहीं होते। अब आप देखें, डैड के ख्वाब में दादा जान आए और वो दौड़े दौड़े आपके पास चले आए। ये प्यार ही तो है। तुम शायद ठीक कहते हो, लगता है मेहताब भाई नाराज होके बैठे। इसका मतलब है कि आप चलेंगे मेरे साथ? ये हुई ना बात। लो भाई सब, तुम जल्दी से जाके तैयार हो जाओ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कौन किधर जा रहा है? मैं भी जाऊंगी। हम जा रहे हैं अपने मामू के घर, जैसे तुम यहाँ छावनी डाले बैठी हो। देख ले मुमानी जान, देख ले, इसे मना कर ले। मैं जब से आई हूँ ना, मैं इसके तारे सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। भला कोई ऐसे करते क्या मेहमानों के साथ? मानी जान, इसे बोले ना, अगर ये चली गई तो मैं यहाँ बोर हो जाऊंगी ना, मैं तो अपने घर भी नहीं जा सकती। ओफो, अच्छा अच्छा ठीक है हैदर, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो ये भी तुम्हारे साथ चली जाए, लेकिन तुम्हें अपनी माँ से खुद बात करनी होगी, हम नहीं करेंगे उनसे बात। हाँ, वो मैं कर लूंगी। अरे पप्पू, मुझे भला क्या एतराज होगा, आप चलिए साथ। मैं अपना सामान लेकर आती, अब भी आई बस। हैदर भाई, इसे क्यों साथ चिपका लिया आपने?
अरे तो मैं और क्या करता? चले कहाँ? हाँ ऑफ कोर्स कोर्स चलेंगे, लेकिन एक दो दिन बाद चलेंगे। तो अभी नहीं? नहीं। तो मैं जाऊँ? पक्का? अच्छा। खुश?